जय श्री कृष्ण गम। आज आ रखे छुट्टी तो आज हम जा रहे हैं ओम मंदिर। तो उससे पहले मेरी वाइफ चावल वावल बना रही है हमारे लिए, तो हमने कहा भाई पैक कर लेते हैं, आगे जाके अपन खाते हैं बाद में। तो आज चावल वावल बन रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा बस। तो अब अपन चलते हैं आज ओम मंदिर। ओम मंदिर यहाँ से अपने लिए पड़ेगा कम से कम 20 किलोमीटर है पाली से, और उसके बाद में अपन ओम मंदिर का जाके अपन। हमारे चावल बन रहे हैं, जब तक आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही नाइस। देखिए आप खुद देखिए। चलो स्कूटी, ये स्कूटी की चाबी और लॉक की चाबी इस दोनों में है। अब चलो अब चलो चलो, मौसम अच्छा होएगा, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं तो लगती है यार। कोई बात को नहीं तो तावड़ा में थे कुन सब पिगड़ो। ये देखते हैं स्कूटी की, देख क्या हालत कर रखी है। तो आप छुट्टी आए हो, आप इसको साफ करना, इसकी सर्विस भी करवाना। भाई मेरी गाड़ी देखना कितनी साफ सुथरी मिलेगी तेरे को। गाड़ी के मालिक आप हो तो आप साफ रखते हो। कोई बात नहीं, ये मैं रख दूंगी, दे दे। थोड़ी आगे लो, मेरे को भी बैठना है। आ रही हूँ मैं। बारिश के कारण देख तू गाड़ी देख। चलो 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 यार, ये कांच और खराब हो गया बारिश से। तेरे को अच्छा सा गाना सुनाऊं एक? खुद मत गाना, गाड़ी में चला लो भले। ऐसे नहीं, आप खुद गा रहे हो यार। ये इतने खड़े रहते हैं, मुड़ेगी नहीं यार। मैं मोड़ूंगे, हाँ नहीं मुड़ी जा तू। चलो चलो चलो। कंडक्टर तो कम थोड़ी है मेरे। चलो चलो चलो। कहीं करूँ यार, मैं रोडवेज में इतना सफर करी हूँ ना कि मेरी ये सारी चीजें जबान पे चढ़ गई हैं। तेरे को गाना बता, कौन सा सुनूँ? कौन सा गाना सुनेगी? मैं मारी मर्जी को सुनूँ, मैं खुद लगाऊंगी। एक तो मेरी मर्जी का चलेगा। नींद अब लग जाए मन। एक राम मंदिर से भी ये बड़ी जगहों में बना हुआ है ओम आश्रम। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल ओम आश्रम के अंदर, और मुझे आवाज़ को डबिंग करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी इसलिए, और मैडम हमारी आगे चल रही थी क्योंकि मैं वीडियो बनाने में व्यस्त था। तो अब हम आपको अंदर से मंदिर को दिखाते हैं क्योंकि ये राम मंदिर से भी दो गुना बड़ा मंदिर है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। चलिए, कहा जाता है कि ये ओम आश्रम बनने को कम से कम आज उसको 28 साल हो गए, 28 सालों से बन रहा है ये आश्रम। इसमें टोटल 200 रूम है, और आप कभी भी
गूगल मैप पे या सैटेलाइट से ऊपर से देखोगे तो आपको ये ओम की तरह इसकी बनावट मिलेगी, पूरा इसकी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है तो आप बिल्कुल ओम की तरह आपको मिलेगा। और सामने स्कूल की कोई पिकनिक आई थी तो स्कूल के बच्चे आ रखे थे, वो भी इधर उधर घूम रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे। तो अब हम मंदिर के बिल्कुल अंदर आ गए। ये पूरे अपने जोधपुर के पत्थर से ये मंदिर बनाया गया है। अंदर आते अलग सी शांति मिलती है। कभी भी आप मंदिर में जाओ तो घंटी बजाते टाइम उसके नीचे खड़े हो, उसकी गूंज से जो आपके पास जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होगी वो दूर हो जाएगी। आगे हमारा फ़ोन अलाउड नहीं था तो हमको दूर से शिव जी की फ़ोटो लेनी पड़ी। और हम आगे आपको आश्रम दिखाते हैं। आश्रम यहाँ पे सारे ऋषियों का नाम से एक कुटिया बनाई हुई है ना, वाल्मीकि ऋषि कुटी, वशिष्ठ जी की, गर्ग ऋषि की। हमें यहाँ किसी ने बताया कि कम से कम यहाँ 300 से ज़्यादा जो शिष्य है गुरुजी के वो फॉरेनर है। आपको दिख रहे होंगे सामने सारे, ये जो येलो ड्रेस में आपको दिख रहे हैं सारे के सारे ये फॉरेनर आ रखे हैं यहाँ पे। हम यहाँ रहकर भी हमारे धर्म से और हमारी संस्कृति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, और ये दूर से दूसरे देशों से आकर हमारे धर्म को सीख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। यहाँ ये सब शांति की तलाश में आए हैं, और ये देखकर हमें बहुत गर्व हुआ कि ये लोग हमारे धर्म के बारे में जान रहे हैं। ये देखो ये लोग कितनी साफ़ सफाई कर रहे हैं, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और एक हम हैं जो सड़क पर अपना वेस्ट जैसे सामान फेंक देते हैं इधर उधर और कचरा फैलाते हैं अपने ही देश में, और ये तो हमारे देश के हैं भी नहीं, फिर भी देखो कैसे साफ सफाई कर रहे हैं। हरिओम। विच कंट्री? स्लोवेनिया। गुरुजी नेम? गुरुजी नेम गीता देवी। और यो गुरुजी नेम? गीता गुरुजी नेम इज उषा। उषा, या नाइस नेम। अच्छा लगा भाई जाके उस मंदिर में। कम से कम 200 शिष्य अंग्रेज, वो भी कहाँ कहाँ के थे? एक तो यूरोप, बात करी थी वो तो यूरोप का था। उनके एक और बात है, उनके एक अलग अलग उनके नाम भी रख रखे हैं। उसको मधु ने नाम पूछा कि आपका नाम है, उसने पूछा मधु आपको नाम क्या है, तो उसने कहा मधु। ओहो मधु, माई नेम इज गीता और माई फ्रेंड इज मधु देवी। और नहीं, मतलब उनके नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। उसका एक्चुअल नेम तो कुछ और था, ब्रिगिटा पता नहीं, अलानिया, दो लड़कियों से बात करी थी ना अपने, एक का नाम अलानिया बताया और एक का, फिर उनके यहाँ पे आके नाम उनको दूसरे दे देते हैं। तो उसको गीता नाम दिया हुआ था, उसकी फ्रेंड का नाम उषा था, तो मैंने अपना नाम बताया ना मधु, तो बोला कि अच्छा एक उनकी एक और फ्रेंड है उसको मधु नाम दे रखा है। तो अच्छा, पर बहुत अच्छा लगा, ऐसी शांति फील हुई दिल को, गजब, नाइस। अब अपन चलते हैं अपने वापस घर की तरफ। खाना वहीं चल के खाते हैं यार, यही खाना। यहाँ हवा बहुत चल रही है ना, अपन तो गाड़ी के अंदर बैठे ना। नहीं तो वहाँ चलते हैं ना घर पे, अभी 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो अपने वहीं चल के खाना खाते हैं। तो ये थी आज की जर्नी हमारी, और हमने, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और अब से हम व्लॉग बनाएंगे। जो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।